Hello friends, welcome back to HIM classes. I am Deepak Chauhan. So today I will continue with Himachal Pradesh GK. Today I will cover art and culture part. So before starting, I would request you to kindly like, share and subscribe to my channel. Let us start art and culture in Himachal Pradesh. So friends, as you know, Himachal Pradesh is a very small and beautiful state. It lies in the laps of Himalayas, which attracts tourists from all over India and the all over world as well, because of its beautiful and picturesque sceneries, the natural beauty of the state. So art and culture has a deep impact of all these segments. Now, before starting, let me give a brief description or the definition of art and culture. In detail, we will study this art and culture in Indian art and culture. Okay, so now art and culture, it plays a very important role in the development of any nation, right? And it is it represents the set of shared attitudes, values, and the general practices of mankind. And culture and creativity, it manifests almost all the economic and social activities of a society. And a country like India is one of the best example which has a diverse culture in the world, right? So now I will cover how the development of art and culture took place in Himachal Pradesh. Okay, so it starts with the Mauryan period, like in Ashoka's tenure, the Smrat Ashoka, who was a Mauryan king, uske period se it is said that the development of art and culture jo hai wo Himachal Pradesh mein उसकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है. एंड इन द कुशनाज पीरियड इट इज सेड दैट द आर्ट एंड कल्चर हैज इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स टू द हिल्स. तो मतलब कुशना के पीरियड के दौरान जो है वो पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों का जो है काफी प्रभाव जो देखने को मिलता है. और कुछ एक अभी भी हमारे पास इसके खंडहर हैं इन आर्ट के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के, और इनके एग्जांपल्स हैं जो कि जिनसे पता चलता है कि कैसे किस तरह से मैदानी इलाकों का प्रभाव जो है पहाड़ी कल्चर के ऊपर था. जैसे आप देखेंगे स्तूपा करके एक खंडहर है, पुराना स्तूप जो है ये चैत्रू गग्गल में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में गग्गल करके एक जगह है, गग्गल के पास एक छोटा सा विलेज है चैत्रू, वहां ये स्तूपा देखने को मिला है. सो और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. और उसके बाद आता है जो जब ये कुशाना पीरियड खत्म हो जाता है, इसके पतन के बाद देयर वाज अ सेक्ट कॉल्ड लाकुल पाशुपुत्रा, जिसका बुद्धिज्म से रिलेशन था थोड़ा. सो उसके कुछ जैसे मारुत मठ उदयपुर में जो कि लाहौल स्पीति में है, और गुरु घंटाल जो अगेन चंबा लाहौल एरिया बोला जाता था इसको पहले, अभी ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे मारुत मठ करके जो है इसकी प्रेजेंस जो कि लाकुल पाशुपुत्र और बुद्धिज्म से कनेक्टेड था, राइट? सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स. एंड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड हिमालयन रीजन में, स्पेशली जो शिवालिक हिल्स और दी लोअर हिमालय का जो पार्ट था वहां पे गुप्ता पीरियड के दौरान भी आर्ट एंड कल्चर जो है उसका काफी विकास हुआ है. और इन सम ऑफ द प्लेसेस लाइक लाहौल स्पीति एंड सम अदर प्लेसेस लाइक किन्नौर, वहां पे जो तिब्बतन गुरु थे पद्मना संभव, उनका भी काफी प्रभाव था आर्ट एंड कल्चर में. एंड मेरू वर्मन जो कि चंबा के राजा थे, उनका कैपिटल भरमौर में था, सो उनके टाइम में कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्ट का भी काफी प्रभाव देखने को मिला है. उसके बाद पाला आर्ट का भी काफी प्रभाव था पहाड़ी कल्चर में. और ऐसा माना जाता है कि बिकॉज हिमालयन रीजन में जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जैसे थकुराइयां भी बोला जाता था, सो दे वर नॉट यूनाइटेड, और इनके यूनाइटेड ना होने की वजह से देर वॉज नो सेंट्रलाइज्ड पैटर्नेज फॉर द आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर को कोई सेंट्रल पैटर्नेज नहीं मिलता था, जिस वजह से इसकी कोई खास रिकग्निशन नहीं थी. लेकिन विद द अमलगमेशन ऑफ वेरियस स्टाइल्स एंड इंडिजीनियस आर्ट वॉज डिवेल्प्ड. सो बाद में हम देखेंगे कि एक इंडिजीनियस आर्ट डिवेल्प होता है और उसे पहाड़ी स्टाइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे, इफ वी ट्राई टू क्लासिफाई द आर्ट इन हिमाचल प्रदेश,
So we can classify it into three parts: the Khasa art, the Indo-Aryan art, and Tibetan art. Right. So Khasa art, it is one of the most ancient architecture style in Himachal Pradesh. And देवदार वुड जो देवदार के पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल जो है उसकी वन ऑफ दी फीचर इसकी खासियत है कि जैसे मंदिरों के निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, स्पेशली देवदार की लकड़ी का. राइट, सो दिस वाज वन ऑफ द फीचर ऑफ खासा आर्ट. देन इंडो आर्यन आर्ट. इंडो आर्यन आर्ट कहा जाता है कि स्पेशली लोअर हिमालयन रीजन में, शिवालिक रीजन में, इट डेवलप्ड और इट ब्लूम्ड ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी. ओके, so mostly in the medieval period it bloomed in Himachal Pradesh, the Indo-Aryan art. Right, now coming to Indo-Tibetan art. So Indo-Tibetan art specifically, it flourished in Kinnaur and Lahul Spiti district of Himachal Pradesh, and the influence of Buddhism in Himachal Pradesh came to be known as Vajrayan. So Vajrayan jo hai ek Buddhism cult ka ek sect hai. Buddhism religion mein ek teen sect hai, ek hai Hinayan, दूसरा है महायान, और ये बज्रयान भी उसी का एक सेक्ट है. सो ये बज्रयान जो सेक्ट था उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो हिमाचल में देखने को मिलता है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि हिमाचल प्रदेश में बसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों का कौन सा संप्रदाय है. सो इसका आंसर होगा बज्रयान संप्रदाय. और तीनों ऑप्शन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू हैव इट्स इन्फ्लुएंस इन द अमंग द बुद्धिज्म बुद्धिस्ट इन द हिमाचल प्रदेश, बज्रयान, हीनयान और महायान. सो बज्रयान वुड बी द राइट ऑप्शन. राइट, सो काइंडली रिमेंबर दिस. एंड नो नाउ देयर आर थाउजेंड मेनी टेंपल्स ऑल ओवर द स्टेट, बिकॉज टेंपल्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन एनी एरिया. सो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा ही जाता है. सो इट हैज थाउजेंड मेनी टेंपल्स, एंड मोस्ट ऑफ द टेंपल्स they are as old as, ऐसा कहा जाता है कि जब से आदमी की और इंसान की उत्पत्ति हुई है उतने ही पुराने वो मंदिर भी हैं. एंड हर मंदिर जो है, ऑलमोस्ट ऑल द टेम्पल्स, दे आर कनेक्टेड विद इन वन वे और द अदर, दे आर कनेक्टेड टू द रिलीजियस रिचुअल्स और सम फेस्टिवल्स. ओके, सो एज आई ऑलरेडी हैव मेंशनड दैट हिमाचल प्रदेश इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट. सो यहाँ पे खाली नेचुरल ब्यूटी की वजह से ही नहीं, बल्कि पिलग्रिमेज और मंदिरों के प्रेजेंस की वजह से, और जैसे हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है उस वजह से भी, लोगों की धार्मिक श्रद्धा की वजह से भी काफी सारे जो टूरिस्ट हैं वो हर साल हिमाचल प्रदेश में आते हैं. ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो मंदिर हैं उनमें कौन से स्टाइल जो है पाए जाते हैं. सो मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया के, जब हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स जो हैं they are mostly the style used in these temples is known as nagara style. lekin nagara style mein bhi kaun se specific styles jo hain wo himachal pradesh ke mandiron mein use kiye gaye hain, so unke bare mein bhi hum discuss karenge. so sabse pehle hum karenge baat shikhara style ki. shikhara style jo hai, this is one of these main feature of nagara design. okay, so jo tower like conical formation hota hai, इस तरह का शंकुआकार का एक टावर होता है, इसमें बीच बीच में ऐसे डिजाइन भी होते हैं. सो इसे कहा जाता है शिखरा और शिखर स्टाइल. सो इसकी कुछ एक फीचर होती है, सबसे ऊपर जो है यहाँ पे कलश बोलते हैं उसको, जो कि कमंडल के रूप में रखा रहता है, जैसे गड़वा जा जैसे होता है ना, गड़वे की शेप का कुछ इंस्ट्रूमेंट, वो सबसे ऊपर में रखा जाता है, उसको बोलते हैं कलशा. उसके बाद यहाँ पे एक लोटस शेप में ऐसे करके एक प्लेट टाइप का डिजाइन होता है शिखर के टॉप पे, उसको बोला जाता है अमालका, सर्कुलर सन डिस्क टाइप शेप का होता है वो. सो ये सब कुछ जो है वो इसकी फीचर्स हैं. हम लास्ट में मैंने एक पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि कैसा किस तरह का जो है टेम्पल का एक डिजाइन होता है और कौन से पार्ट में वो बटा होता है, उसको इलेबोरेट किया हुआ है. सो ऑल दीज पार्ट लाइक मंडपा, गर्भगृह, sanctum and sanctorum, all these I have tried to explain in that picture. Right, so shikhara style, shikhara jo hai ek sanskrit ka word hai, uska matlab hota hai mountain peak, ye aapko pata hi hoga, shikhar aur mountain peak, they shikhara style temple jo hai wo mountain peak ko resemble karta hai, and north india ka ye famous design hai. so few examples like Baijanath temple,
in Kangra district. Then आपका लक्ष्मीनारायण टेम्पल, लक्ष्मीनारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो लक्ष्मीनारायण टेम्पल्स हैं उनका सारा डिजाइन जो है वो शिखर स्टाइल से मिलता जुलता है. देन बजौरा टेम्पल, ऑल दीज टेम्पल्स आर लाइक मसरूर टेम्पल. ओके, मसरूर टेम्पल जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है. ये सारे टेम्पल जो है ये शिखरा डिजाइन के बेस्ट एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं. नाउ कमिंग टू पगोड़ा स्टाइल. पगोड़ा स्टाइल क्या होता है? दिस इज अगेन नो लाइक शिखरा ही होता है ये, बट इसका डिजाइन जो है ये कुछ ऐसे होता है. आई मीन स्टेप बाय स्टेप जो है वो बने होते हैं, पगोड़ा इसको बोलते हैं. इस तरह का जो डिजाइन बना होगा, एक आई मीन छतरी टाइप का डिजाइन, उसके ऊपर दूसरी छत, फिर दूसरी छत, तो इस तरह के कई कई मंजिलें इंक्लूड होती हैं इसमें. इस तरह के डिजाइन को हम बोलते हैं पगोड़ा डिजाइन, राइट. सो हिमाचल प्रदेश में ये जो फीचर है, दिस हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम नेपाल. नेपाल में आपने देखा होगा मोस्टली जो भी हिंदू टेम्पल्स हैं वो इसी पगोड़ा स्टाइल में ही बने हुए हैं. लाइक एग्जाम्पल्स हैं इसके हिडिम्बा टेम्पल, विच इज वन ऑफ दी नो बेस्ट एग्जाम्पल, त्रिपुरा सुंदरी नगर में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, देन पराशर टेम्पल मंडी डिस्ट्रिक्ट में. दीज आर सम ऑफ दी नो बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पगोड़ा स्टाइल. No, timber bonded style with pent roof and optional veranda. This is one of the, you know, special feature of the Pahadi style of architecture. So temples with wooden style are found in Himachal Pradesh from the ancient time and in the most common form in the hills. So freestanding pagoda style having a superimposed roofs directly over the garbhagriha. So ये अभी हम example देके जब मैं बात करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन से temple में इस तरह का design बना हुआ है. So, बिजली महादेव का मंदिर आपने देखा होगा. देन लक्ष्मणा देवी टेम्पल एट ब्रह्मौर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट. बिजली महादेव ये जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है. देन शक्ति देवी एट छतराड़ी अगेन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट. हाटकोटी टेम्पल जो है ये शिमला में है. दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पेंट रूफ. एंड नाउ वील कवर द डोम टाइप. डोम टाइप टेम्पल जो आपने देखा होगा, डोम जो है एक गुबंदाकार शेप होता है, जैसे गुरुद्वारा वगैरह में या जो आई मीन प्लेन इलाकों में जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं उनके ऊपर एक डोम जो है बहुत ही कॉमन फीचर है. और नो इसकी जो कहाँ से ये हमने कॉपी किया है, इट इज कंसीडर्ड लाइक इट हैज बीन नो इट्स लाइनेज फ्रॉम दी पहले मड स्नो स्टोन वुड और नो कॉन्क्रीट मटीरियल से जो है वो टेम्पल्स बनाए जाते थे. सो उसी स्टाइल से ये डोम स्टाइल जो है वो इवॉल्व हुआ है. और इसका जो आई मीन सिम्बॉलिकल वैल्यू है इसकी, लाइक मोर्चरी में, सेलिशियल फिगर्स में, देन गवर्नमेंटल ट्रेडिशंस में, जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, इवन हमारे जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, दे ऑल्सो डू हैव अ काइंड ऑफ डोम टाइप टॉप. सो इस तरह से इसका जो प्रभाव है वो हमारे हर सेगमेंट ऑफ लाइफ में, जैसे टेम्पल्स में ही नहीं बल्कि बाकी की बिल्डिंग्स में भी देखने को मिलता है. सो ज्वालामुखी टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल इन कांगड़ा, चिंतपूर्णी देवी, नैना देवी, ऑल दीज टेम्पल्स आर डिजाइंड बेस्ड ऑन डोम टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, राइट. नाउ फ्लैट रूफ स्टाइल. सो फ्लैट रूफ स्टाइल जो है ये मतलब इसका रूफ जो है वो फ्लैट होता है, पूरा टोटल फ्लैट नहीं होता है. देयर इज अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री एलिवेशन ऑफ द रूफ. And it is most commonly found in Buddhist monasteries, right? So, आप Buddhist monastery का अगर picture देखेंगे या कभी visit करेंगे तो आपको पता चलेगा कि how the flat roof architecture looks like. So, no, this Narbadeshwar temple in Sujanpur Tira, this is one of the most common example of this type. Now, Sutlej Valley style. सुतलज वैली स्टाइल ये जो है सुतलज वैली में बने हुए मंदिरों में ही रिस्ट्रिक्टेड है. वहीं उस वैली में आई मीन शिमला डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली जो टेंपल हैं सुतलज घाटी के किनारे, उन टेंपल्स में जो स्टाइल पाया जाता है उसको सुतलज वैली स्टाइल बोला जाता है. सो इसमें क्या है, आई मीन पेंट रूफ और पगोड़ा स्टाइल का एक मिक्सचर है. इट इज अ ब्लेंड ऑफ पेंट रूफ एंड पगोड़ा स्टाइल, जिसमें नो एक या उससे ज्यादा पगोड़ा भी हो सकते हैं और गर्भगृह भी है. एंड गर्भगृह जो कि शिखरा स्टाइल की एक फीचर है वो भी इन मंदिरों में देखने को मिलती है.
तो हम एग्जाम्पल देखेंगे इनमें. भीमा काली टेम्पल जो है सराहन में शिमला डिस्ट्रिक्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, राइट. सो मोनेस्टिक टेम्पल्स, जो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं उनमें जो आर्किटेक्चरल टाइप फॉलो किया जाता है दैट इज कॉल्ड मोनेस्टिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द टेम्पल्स. सो प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज आर लाइक यू नो ताबो मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री, नामजियाल, रिवाल्सर, धनकर, गुरु गंचाल, सशूर, कारदान, तयूल, थांग, थांगयुग, कुंगरी, नाको, ताशिगंज एंड लिप्पा मोनेस्ट्री. दीज आर फ्यू ऑफ नो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म का काफी इन्फ्लुएंस है, इवन धर्मशाला मैक्लियोडगंज को लहासा भी बोला जाता है. सो काफी सारे जो आई मीन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो जो कि स्टेट में है, इनमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट जिनके नाम मैंने मेंशन किए हैं. सो काइंडली रिमेम्बर देम एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल दे आर रिलेटेड विद. सो अभी इस फिगर में आप देखिए, ये पिक्चर जो है मैंने किसी दूसरे सोर्स से कॉपी किया है, इसमें काफी अच्छे से ये चीज जो है वो दर्शाई गई है. जैसे मैंने बोला था कि सबसे टॉप पे आपको मिलेगा कलशा, एक गढ़वी के स्टाइल का और एक कमंडल के स्टाइल का जो पार्ट है ये ऊपर बना होता है. उसके बाद ये देखिए आप, ये जो ये वाली जो प्लेट शेप का, सन डिस्क शेप का, एक लोटस आकार का एक जो आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है, इसको बोलते हैं अमालका. ओके, और ये जो सबसे बड़ा हमारा पिरामिड है, पिरामिड और इसको हम शिखरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिखरा. ओके, अभी इस शिखरा में ये देखिए आप छोटे छोटे शिखरा साइड में बने हुए हैं, इनको बोलेंगे उरु शिखरा, राइट. और अभी आपने, आप मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो आई मीन मेन डेइटी होता है, मेन देवता जो होता है मंदिर में, वो जहां पे रखा जाता है वो मोस्टली जो है शिखरा के नीचे एक गर्भगृह बना होता है, उसी गर्भगृह में रखा जाता है. तो सैंक्टम और सैंक्टोरम जो है गर्भगृह को बोला जाता है, और गर्भगृह जो है वो मेन शिखरा के अंदर बनी होती है ये जगह. ओके, और ये इस तरह के टेंपल, मतलब सारे डिजाइन इसी तरह से नहीं होंगे लेकिन इससे मिलते जुलते होंगे. तो आपने देखा होगा कि जब मेन शिखरा के साथ एक और छोटे मतलब छोटी हाइट के शिखर स्टाइल में ही और भी टेंपल लाइक फिगर्स होंगी, जहाँ पे आपके मंडप वगैरह बने होंगे. मंडप होती है एक कॉमन जगह जहाँ पे श्रद्धालुओं को बैठने का, भजन कीर्तन करने का जो जगह होता है उसको मंडप बोला जाता है. ये दो तीन स्टेप्स में होता है, लाइक जो सबसे शिखरा के बाद जो दूसरे नंबर पे जो सैंक्टोरम के बाद में जो जगह होती है मेन, उसको बोला जाता है महामंडप. फिर अगेन उसके बाहर जो जगह बची होती है उसको बोला जाता है मंडप. और सबसे लास्ट में, सबसे छोटा शिखर के पास में जो जगह होती है उसको बोला जाता है अर्ध मंडप. ओके, सो ये जो मंडप और गर्भगृह के बीच में जो गैप होता है, ये वाला जो गैप है इसे बोला जाता है अंतराल. ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द फीचर्स जो कि कभी कभी एग्जाम में मतलब पूछा जा सकता है कि ये कौन से मंदिरों में पाई जाती है और किस चीज को ये रिजेंबल करती है, किस चीज को ये सिग्निफाई करती है. ओके, सो आई हैव ट्राइड टू यू नो कंसोलिडेट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पिक्चर. तो काइंडली रिमेंबर दिस पिक्चर, देख के आपको अच्छे से याद रहेगा कि कौन सी चीज कैसे मतलब मंदिरों में होती है और क्या उसका नाम होता है, ठीक है. उसके बाद है प्रदक्षिणा पथ, आपने देखा होगा जो परिक्रमा करने के लिए मंदिर के चारों तरफ जो जगह बनी होती है उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है. देन अगेन वन कॉमन फीचर इज दी जगती. जगती होती है रेज्ड प्लेटफॉर्म. आपने देखा होगा कोई भी मंदिर जो है वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर उठ के बना होता है. सो जो मतलब ग्राउंड लेवल से जो उसकी एलिवेशन होती है या जो उसका मतलब हाइट होती है ग्राउंड लेवल से, उसको बोला जाता है रेज्ड प्लेटफॉर्म और जगती. देन अधिस्थाना, जो बेसमेंट होता है मंदिर का उसको अधिस्थाना के रूप में बोला जाता है. सो ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको आपको याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, सो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड मच ऑफ योर डाउट्स अबाउट दिस. नाउ आई वुड एंड अप हियर. वेरी सून विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So thank you very much.